नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सामाजिक रथ यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश में निकल चुके हैं। 200 सीटों पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की। विजय रथ यात्रा आखिर यूपी की जनता को पसंद भी आ रहा है। इन सब विषयों को लेकर हम आए हैं वरिष्ठ नेता हरिशंकर यादव से बात करने कि आखिर शिवपाल सिंह यादव के इस विजय रथ यात्रा, सामाजिक रथ यात्रा को आखिर यूपी की जनता पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, और किन मुद्दों को लेकर रथ सबके बीच में जा रहा है। जैसा कि शिवपाल सिंह यादव ने साफ कर दिया है कि उनके दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं। सबसे पहला जो प्रमुखता रहा वो सपा रही, लेकिन सपा से अगर गठबंधन नहीं होता है तो तीसरे मोर्चे का वो गठन करेंगे और 200 सीटों पर तैयारी कर चुके हैं, मन बना चुके हैं 2022 के चुनाव को अकेले लड़ने का। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की यात्रा है, जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से? जनता को हम संदेश ये देना चाहते हैं कि आज हमारी जनता जानी रहे कि हमारा उत्तर प्रदेश 27,000 कुछ पैसे एक आदमी पे कर्ज हो गया है। एक आदमी आज 27,000 रुपए कर्ज पे है और उसके लिए हम जो है हम लोग परिवर्तन रथ इसलिए निकाले हैं कि किसान पे अभी आप देख रहे हो लखीमपुर खीरी में क्या हुआ है। लखीमपुर खीरी में देख रहे हो किसान, अगर असली कोई किसान है तो हमारे शिवपाल सिंह यादव जी हैं। वो ट्रैक्टर हो चाहे बैलगाड़ी हो सब कुछ जानते हैं, खेती कैसे जोती जाती कैसे बोई जाती है। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अगर कोई असली है तो किसानों की शिवपाल सिंह यादव जी हैं, बाकी कोई किसान कौन पार्टी है बताइए। ये तो व्यापारियों तो जान ही लो किसकी पार्टी है। तो क्या लगता है कि प्रसपा आखिर जो कई तरह के अभियान चला चुकी है प्रसपा, अब रथ यात्रा कामगर साबित होगा, क्या लगता है 22 में जो रणनीति है चुनावी अकेले सफल हो जाएगी या कई लोगों को साथ में लेकर करने वाले हैं, कई पार्टियों के साथ गठबंधन? आपको बता दें कि रथ यात्रा में उन्नाव प्रभारी भी रहे, लखनऊ से भी प्रभारी हरिशंकर यादव रहे, तो प्रभारी उन्नाव दिया गया है, तो उन्नाव में किस तरह का माहौल है रथ को लेकर? उन्नाव में देखिए हम लोग कई बिंदु पे कानपुर गंगा से लेके बने दुलुक बहुत जिक्पत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लोग बाहर निकल के स्वागत करने को तैयार, बड़े इच्छुक हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोग जाने रहे। इतने समय अगर किसी से लोकप्रियता हो अगर किसी में बड़ी हो तो शिवपाल सिंह यादव में पड़ी है। शिवपाल सिंह इतने समय लोकप्रियता में नंबर एक पे चल रहे हैं, हर पार्टियों से लोग उनके बारे में अच्छे हैं, सरल हैं, उनसे सरल कोई नेता नहीं है। वो अपने 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 कार्यकर्ताओं का बाई नेम जानते हैं, छोटा हो जाए बड़ा हो सबको नाम लेके जानते हैं। तो ऐसे नेता के बीच में अगर हम लोगों को काम करने को मिला तो बहुत बहुत ऐसे नेता को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे कोई राजनीति हमारे पिताजी में नहीं रही। तो हमारे जैसे छोटे परिवार किसान के बेटे को अगर इतनी इज्जत मान सम्मान दिए हैं तो मैं तहे दिल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ। तो क्या लगता है 22 में फिर सरकार बन रही है आपकी? 2022 में बिना चाबी के ताला कोई नहीं खोल पाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख लो 24 घंटा सिर्फ समाज की सेवा के लिए अपना परिवर्तन रथ चला रहे हैं। लोगों को जब तक ये सरकार को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पलट नहीं देंगे और तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चैन से बैठने वाले नहीं, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता हरिशंकर यादव, साफ तौर पर उन्नाव प्रभारी हैं, लखनऊ प्रभारी हैं, रथ यात्रा में शिवपाल जी के साथ ही रह रहे हैं, लेकिन परिवर्तन रथ यात्रा, सामाजिक जो परिवर्तन रथ यात्रा निकाली गई, यूपी की जनता का साथ आखिर कैसे मिलेगा? जैसे साफ तौर पर इन्होंने कहा कि बिना चाबी के कोई भी ताला नहीं खुलने वाला, मतलब साफ है कि जिसकी भी सरकार आए, जिसकी भी बहुमत बने, तो बिना शिवपाल के साथ के सरकार नहीं बनेगी। सहयोगी जिसके साथ मैं